Created with free version for non-commercial use. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, आज हम आपको दांतों को सफेद करने का यानी टू वेज टू वाइटन टीथ आज हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से आज हम आपको दो तरीके बताएंगे जिनमें से आप अपना मनचाहा तरीका इस्तेमाल करते हुए बआसानी अपने दांतों को सफेद मोतियों जैसा कर सकते हैं। कुदरती तरीके हैं, इन तरीकों से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों को फायदे हासिल होंगे, दांतों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बेहतरीन तरीके हैं और बआसानी आप इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर ही और बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला जो तरीका है वो है आपको चाहिए नारियल का तेल। ये नाज़रीन मेरे पास इस वक्त नारियल का तेल है। आपने नारियल का तेल लेना है और नारियल के तेल को आपने किसी अपने चाहे तो ब्रश की मदद से, टूथ ब्रश की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथ ब्रश की मदद से आप चाहें तो नारियल के तेल में टूथ ब्रश लगाकर आप अपने दांतों पर आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट तक आप उसे ब्रश करें, अपने दांतों पर अच्छी तरह करें ब्रश। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट जब आप नारियल के तेल को इस्तेमाल करते हुए ब्रश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाद ही आपके दांत मोतियों जैसे सफेद हो जाएंगे, दांतों की पिलाहट दूर होगी, दांतों में और किसी भी किस्म का कोई मसला था दांतों में अगर दर्द रहता है वो खत्म होगा, दांतों से जो पानी वगैरह जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं वो दूर हो जाएगा। नेज आपके दांत 5 मिनट से पहले पहले 2 मिनट के अंदर अंदर आपके दांत जो है वो मोतियों जैसे सफेद हो जाएंगे। इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, लाजमी आजमाइएगा। नाजरीन, अब हम आपको दांत साफ करने की दूसरा टोटका बताते हैं। अगर आप ये टोटका इस्तेमाल नहीं कर सकते नारियल के तेल वाला, या नारियल का तेल बाज़ औक़ात आपके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का टोटका है ये नारियल के तेल वाला, बेहतर ये है कि आप इसे इस्तेमाल कर लें 1 दिन 2 दिन। आपको 2 दिन में पहले ही दिन 2 मिनट में बहुत फर्क पड़ेगा और दूसरे दिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप इतनी जल्दी दांत नहीं सफेद करना चाहते तो हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। अब हम आपको नाज़रीन दूसरी रेमेडी की तरफ लेके जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको पहला नारियल के तेल वाला तरीका जो है वो नारियल का तेल का तरीका आप नहीं इस्तेमाल कर सकते दांतों को सफेद करने के लिए, टीथ वाइडनिंग के लिए, तो टीथ वाइडनिंग की दूसरी आसान रेमेडी ये है कि आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें और थोड़ा सा आप नमक ले लें। नमक जो है ये मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप सरसों के तेल में नमक मिला के आप इसे उंगली की मदद से अच्छी तरीके से आप उसे अपने दांतों पर लगाएं। इससे ये होगा कि आपके ना सिर्फ ये कि दांत जो है वो मजबूत होंगे, इसके अलावा दांत आपके जो है वो सफेद भी होंगे। नाज़रीन, ये टोटका भी बहुत कारआमद टोटका है, लेकिन ये टोटका उतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी जो है वो सरसों के तेल जो कोकोनट वाला टोटका है वो असर करता है, क्योंकि नारियल का तेल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आपके दांत जो है वो मोतियों जैसे सफेद कर देता है। लेकिन 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 सरसों के तेल वाला टोटका जो है इससे आपके दांत सफेद होते हैं लेकिन काफी अरसे बाद। इसके दूसरे फायदे हैं, उसका फायदा ये है कि उससे आपका सिर्फ दांत जो है वो मोतियों की तरह सफेद कर देता है, लेकिन ये आपके दांतों के लिए भी फायदेमंद है, आपके मसूड़ों के लिए भी फायदेमंद है। मसूड़ों को बहुत जबरदस्त बना देता है, अगर मसूड़ों से खून आता है या वैसे मसूड़े जो हैं वो, या इसके अलावा आपके दांतों को ठंडा गर्म लगने की आपको शिकायत है तो ये उससे भी आपको बचाता है। ये इस रेमेडी की अपनी अफादियत है, ये अपनी जगह बेहतरीन है दांत साफ करने के अलावा। इसके और भी बहुत से फायदे हैं और कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल का वाला टोटके का अपना एक अलग से फायदा है, उसके बेहतरीन अलग नतीज हैं, इसके नतीज अलग हैं। दोनों डॉट के अपनी जगह बहुत कारआमद हैं, आप दोनों में से जो चूज करना चाहें चूज करें और इनमें से एक टोटका लाजमी आजमाएं, खासतौर पर अगर आप अपने पीले दांतों की वजह से परेशान हैं, अगर आपके दांत
किसी भी तरह से गंदे हैं, अगर पान या कोई भी चीज आप रसीली वगैरह खाने की आपको आदत है जिसकी वजह से आपके दांत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो आप इस टोटके को जरूर आजमाइएगा, आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। नाजरीन मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। Created with free version for non-commercial use. आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूँ तू सहल कर इन दुआओं में ऐसा सर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। पता मुझको उसकी सजा है, तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस जमाने को अपना बनाया, तेरी रहमत ही तो आसरा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, मेरे सजदों पे ऐसी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच